हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपका भाई फिर से आ चुका है वही सेम लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे बहुत बार आया हूँ और जितनी बार भी आया हूँ इस लोकेशन पे उतनी बार हम लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे गंवाना ही पड़ा है। और कई बार धक्के मुक्के लगे और कई मतलब परेशानी इस लोकेशन पे आने से हुई और एक के बाद एक परेशानी बढ़ती गई और चलने का नाम ही नहीं ले रही। तो आज भैया जो मनीष गायब हुआ था कुछ दिन पहले, अब उसको हम लोग पता लगाने के लिए आए हैं। आप लोगों को यहाँ पे कुछ जलता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे बाबा को एक साथ में लेके आए हैं और वो अपनी पूजा वहाँ पे कर रहे हैं। पहले हम कुछ देर एक दो घंटे यहाँ पे रुके हैं और उसके बाद देखा वो कहीं पर वो चीजें नहीं दिखी हैं। तो बाबा अपने मंत्रों से उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, मंत्र वो पढ़ने लगे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि अब वीडियो बनाना स्टार्ट किया जाए। मैं आ चुका था यहाँ पे लगभग दो घंटे, अब रात के लगभग 12:30 बजने वाले हैं, 10 बजे आ चुके थे लोकेशन पे। तब से हम लोग बैठे रहे, वहाँ तक गए, आज जंगल तक भी गए आगे तक, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखी। अब बाबा अपने मंत्रों से उनको बुलाएंगे और मनीष का भी अब पता लगाएंगे, क्योंकि मनीष के जो घर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे अमित भाई पे। तो अमित भाई इस समय नहीं आए, उनको टेंशन है इसीलिए वो नहीं आ पाए। तो हम लोग, हमको और बाबा और जो भाई कैमरा पे है, तीन ही लोग आए हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो आप लोगों को लगे कि हम लोग हाँ कुछ कर रहे हैं मनीष और इसके लिए, तो लाइक कर देना, चैनल को भी भैया सब्सक्राइब कर लेना। तो भैया यहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा है और मैं बताऊँ, जो अजीत था उसकी भी जान जा चुकी है। अजीत और वो पागल लड़की अब दोनों साथ में रहने लगे हैं, तो इसीलिए अब यहाँ पे कोई नहीं आता। उन लोगों का सामना करना बहुत ही मुश्किल है। पहले अकेले थी तो कहीं ना कहीं पे दिख जाती थी, जब से अजीत उसके साथ हुआ है तब से वो दोनों नहीं दिखते हैं। इसीलिए बाबा को लेकर हम उस दिन भी आए थे इससे दो दिन पहले और हम लोग यहाँ पे लगभग 5-6 घंटे रुके, नहीं मिले। इसीलिए बाबा को आज इस लोकेशन पे लेके आए हैं। तो दोस्तों आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। और प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को भैया कहीं पर भी इसके मत करना प्लीज़। अब आ ही गए हो देखने के लिए तो प्लीज़ देख लेना। और डिस्क्रिप्शन में एक नया चैनल है दूसरा हमारा, उसको भी एक बार विजिट करके देख लेना। उस पर एक वीडियो मैंने बनाई है, वहाँ की एक ऐसी हॉन्टेड लोकेशन थी कि उसमें बाल बाल बचे हैं वरना उसमें भी हमारी जान चली जाए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की, लिंक चैनल की, वहाँ विजिट करके देख लेना। तो आओ भैया, क्योंकि यहीं से जा रहे थे जिस दिन मनीष को आए थे पता लगा क्या, और रास्ते में उसी जैसी घटना हुई उसमें सब बता रखा है। तो आओ अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर और बाबा से मालूम करते हैं क्या हुआ। लगभग 15-20 मिनट से अपने मंत्रों का जाप कर रहे हैं और उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब आने ही वाली होंगे, क्योंकि मंत्र होते हैं उनसे तो हर चीज आ जाती है। तो ये देखो आवाज सुनाई दे रही होगी, तब तक बाबा मंत्र पढ़ेंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम आप लोगों को एक बार लोकेशन क्लियर करवा देते हैं और कि आसपास कोई है कि नहीं है। आप पहले बाबा को मंत्र पढ़ने दो, सबसे ओम ग्रीम ग्रीम स्वाहा, ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडा विद्या देवी स्वाहा, ओम ग्रीम ग्रीम विद्या देवी स्वाहा, ओम ग्रीम ग्रीम विक्षराय स्वाहा। बाबा क्या हुआ, अभी तक कुछ आया क्या? नहीं आया। क्या कुछ पता चला, आ रहे या नहीं आ रहे? बाबा चले मंत्रों का जाप करें तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अब ये आगे चलते हैं, कुछ आगे दिखा देते हैं। यहाँ पे ये लकीर इसलिए बना दी गई है क्योंकि यहाँ पे दिखा, इधर पे दिखा, कोई नहीं है। आ इससे भी मिलते इधर उधर। पहले जैसे कि कुछ लोग नए भाई लोग आते हैं उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या हुआ है, कि उससे पहले भी पूछे हैं। तो भैया पुरानी भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या चैनल पे विजिट करना प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे प्लेलिस्ट बना देंगे। कौन है ये? वो पेड़ है, इसी पेड़ में अजीत की भी डेड बॉडी मिली थी, उसी पेड़ में उसकी भी जान गई थी। तो यहाँ पे आगे तक अभी इसके पहले हम जा चुके हैं, लेकिन एक बार आप लोगों को दिखवा भी देते हैं। आगे भी कुछ नहीं है,
आगे अब नहीं जाएंगे क्योंकि आगे भैया शुरू हो जाता है शमशान घाट और कब्रिस्तान। यहाँ पे बाबा के साथ गए थे, अब सिर्फ हम ही दो लोग हैं तो हम वहाँ पे जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि वहाँ पे जाना ही बहुत ही खतरा हो सकता है। तो आओ भैया चलते हैं बाबा के पास बैठते हैं और बाबा अपने मंत्रों से उनको बुलाएंगे और फिर आप लोग देखना भैया आ जाओ। जला ले एक मिनट। जो आत्मा हो यहाँ पे प्रकट हो। ओम ग्रीम ग्रीम इच्छाए स्वाहा। बाबा अपने मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ओम ग्रीम ग्रीम स्वाहा। जो आत्मा हो यहाँ पे प्रकट हो। बाबा वहाँ के एक मोमबत्ती बुझ गई है, वहाँ पे जो बुझ गई है यहाँ से कहीं से उठा ले क्या? रुक जाओ, इधर आ इधर आ। वो दोनों अगल बगल ही कहीं पे आ चुके हैं। सच में बाबा? ये मोमबत्ती वहां से थोड़ा आगे लगा के आओ, बुझनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कहाँ पे? यहीं पे लगा दे कि थोड़ा आगे? थोड़ा सा आगे लगा के आना इससे। यहाँ पे लगा दे बाबा? हाँ बस यहीं के सामने लगा दो, जरूरत पड़ेगी तो और मोमबत्ती उधर ले जानी पड़ेगी, वो किधर से भी आ सकती है। अरे बाबा इसके अंदर से कुछ आ जाएगी कसम से। ओम, अभी वो प्रकट हो रही है। बिल्कुल बाबा, बाबा शांत हो जाओ बच्चा, शांत हो जाओ। जो भी यहाँ पे आत्मा हो प्रकट हो। उधर से सब चारों तरफ से जो आत्मा यहाँ पे है प्रकट हो। ओम भगवते सिंचाय स्वाहा। ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडाय 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 स्वाहा। बाबा लगभग 4-5 घंटे से जा रहे हैं अभी तक ऊंची। अरे आवाज भी बिल्कुल क्लियर कर। अब कोई लोग उस मोमबत्ती के पास में मत जाना, वो दोनों एक और मोमबत्ती बुझ गई। वो दोनों बहुत खतरनाक है। और कितने लोग यहाँ पे खोए हैं? यहाँ पे मनीष खो गया, उसका ही पता लगाना, आपको पता ही है मनीष। और इधर आ जा भैया, बैठ जा कैमरा लेके यार, दिखा तो कैमरे में जो भी कुछ बाबा कर रहे हैं। बस यहीं पे बैठ, मनीष है। अजीत पहले खोया था ना? हाँ, अजीत की फिर जिद्दबाजी मिले, मतलब अजीत को मार दिया। अब अजीत और वो साथ में रहती हैं और दोनों बहुत ही खतरनाक। पहले अकेले थी तो आ जाती थी, अब जब से अजीत हो गया तब से आपको पता ही यहाँ पे। रुक जाओ भैया, लगाओ उधर। कोई बाबा दिख नहीं रहा? अभी दिखेगा नहीं बच्चा। वो तो वो दोनों सामने आ चुके हैं। रुक जाओ अभी। आगे कदम मत बढ़ाना। मैं कुछ कैमरे में दिख रहा है? अभी तक तो भाई कुछ नहीं दिख रहा। तुम सबके सामने प्रकट हो। ओम क्रीम क्रीम चामुंडा विच्चे स्वाहा। ओम क्रीम क्रीम चामुंडा विच्चे स्वाहा। ओम क्रीम क्रीम चामुंडा स्वाहा। ओम क्रीम क्रीम चामुंडा स्वाहा। ओम जो भी हो यहाँ सामने प्रकट हो। ओम क्रीम क्रीम चामुंडा स्वाहा। ओम भगवते देवी नमः स्वाहा। ओम मर्कते देवी स्वाहा। ओम देवी भगवते स्वाहा। बच्चा सब लोग सतर्क हो जाना। मोमबत्ती वहाँ पे एक बुझ चुकी है, एक मोमबत्ती उठा के वहाँ पे रख दो जाके। कहाँ से लिखा ले बाबा?
रुको तुम यहाँ पे बैठो, खतरा हो सकता है। आप जाओ, आजा भाई कैमरा लेके आ जा। बाबा आराम से ले लेगा, साथ में जा बाबा के। बाबा जो भी हो सामने आओ, बाबा प्रकट करो उसको मंत्र से। ये कहां से मोमबत्ती आई है? प्रकट हो, आप जहाँ भी हो सामने आओ सबके। हमें पता है आप लोग सामने आ चुके हो। ओम क्रीम क्रीम स्वाहा, ओम क्रीम क्रीम स्वाहा, ओम क्रीम क्रीम चामुंडा स्वाहा, ओम क्रीम क्रीम चामुंडा स्वाहा, ओम क्रीम क्रीम चामुंडा स्वाहा। अजीत तुम जहाँ भी हो सामने आओ। मंत्र पढ़ो सामने आओ। ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडा स्वाहा, ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडा स्वाहा, ओम प्रकटाय स्वाहा, ओम देवी प्रकटाय स्वाहा, ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडा स्वाहा। जहाँ भी हो सामने आओ, चले जाओ। ओए हाथ देखो, हाथ हाथ है बाबा, ये हाथ, ये हाथ देखो। शांत रहो शांत रहो, सब दिख रहा है बाबा को। अरे उसमें गए ऊपर बाबा, ऊपर भी है हाथ उठ रहे। आओ दिखा कर मेरा भाई। हाँ दिख रहा भाई, बाबा इसको जल्दी बुलाओ, आ जाओ। ये देखो ओम, ये आप लोग देख सकते हैं। इनको नीचे बुलाओ, ऊपर अभी नहीं थी यार बाबा, 5 घंटे से आ जाओ। यहाँ पे सामने आओ, यहाँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये देखो पैर, हाथ पैर इनके, दिख रहा कैमरे में? दिख रहा भाई दिख रहा। बाबा प्लीज कैसे भी इनको नीचे बुलाओ और मरीज का पता पूछो जल्दी से जल्दी, वरना जितना भी देर यहाँ पे रुकेगा बच्चा ज्यादा। घबराओ मत बच्चा बिल्कुल भी, हम पूछ रहे हैं आसानी से पूछेंगे। जो भी यहाँ पे हो आ जाओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हमें पता है तुम लोग 3 लोग हो, तीसरा कौन है तुम्हारे साथ में? तुम्हारे साथ में मनीष भी है, उसको कहाँ छुपा दिया मनीष? मनीष गायब हुआ बाबा, उससे पूछो कि मनीष को कहाँ छुपाया है। मनीष को कहाँ छुपा दिया? आओ सामने, बाबा कुछ पूछ रहे हैं। उसे हमारा कहना नहीं मानते थे तुम लोग, इसलिए बाबा को लाया, तुमको कैद करवा देंगे। जो भी यहाँ पे हो अजीत और उसकी आत्मा जो भी यहाँ पे सामने आ जाओ, सामने आओ। पागल लड़की की आत्मा और अजीत दोनों लोग सामने आओ। सामने आते हो या फिर हम फिर कुछ और करें? तुमको भस्म कर देंगे अभी इसी अग्नि में, सामने आ जाओ। यही तो बोला, कैद कर लो यार उसको हमेशा हमेशा के लिए बाबा। जाओ, हम बात कर रहे हैं, अगर जो कैद करने वाली होंगी तो कैद कर देंगे, नहीं तो उनको मुक्त कर देंगे। हाँ लेकिन मनीष का पता लगवाओ, मनीष का पता कर रहे हैं। शांत हो जाओ थोड़ा सा, सामने आ जाओ। मनीष कहाँ है उसको भी साथ में लेके आओ। बेटा तुम इधर से उठ के इधर आ जाओ एक बार। ओए भाई ऊपर ऊपर देख, ऊपर रुको, यहीं पे बैठना अभी। हाँ ठीक, अभी कोई आने वाला है। देखो बाबा ऊपर नीचे आ जाओ, जहां भी हो तुम लोग। बाबा ये पूजा का सामान आपके उधर रखा दे, हम उठा लेंगे, छूना कुछ मत।
बाबा इसके ऊपर है, वो देखो जी नीचे ये लो, इसको हाथ में रखना थोड़ा बाबा, जल्दी जल्दी लाओ भाई, तू वहीं पर बाबा फेंक देना, इसके पास जो ताबीज है ही है, इसको कोई खतरा ही नहीं होगा, कोई खतरा नहीं, अपना वाला ताबीज इसको दे दिया है, ठीक है ठीक है, तब खतरा नहीं उसको, चले जाओ नीचे आ जाओ बाबा। ये ऐसे हम लोगों को रोज डराती थी, जब जब हम लोग आए चार पांच पांच लोग, कोई घबराने की बात नहीं, हमने जो तुमको दिया है बस पास में रखना, कोई खतरा दिखे तो फेंक देना उसकी तरफ, ठीक है। इसको नीचे बुलाओ, इसको मनीष का पता लगाओ, क्योंकि मनीष काफी ज्यादा परेशान हो गया होगा, पता है जिंदा है या नहीं है, जैसे उसके घर वालों को जवाब देना है। तुम नीचे आ रही हो या फिर कैद करें तुमको, मंत्र पढ़ो तो अभी नीचे आएगी, मंत्रों से इसको नीचे बुलाओ यार बाबा। ओम तुम मुखमेशमृता, ओम ब्रह्मकम यजामहे उपगंधिम पुष्टि वंदनाय सुचोर्मुखीयमामृता, ओम ब्रह्मकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, ओम ब्रह्मकम यजामहे ओम ग्रीं ग्रीं चामुंडाय स्वाहा। बाबा इसको उधर ही रखो, तुम लोग उधर ही रहना, उधर कहाँ जा रहे हो, इनको बुलाओ बाबा, निवाना शमशान घाट चले जाएंगे, चिंता मत करो, जहाँ भी जाएंगे खींचे चले आएंगे। ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडाय स्वाहा, ओम ग्रीम ग्रीम, दोस्तों आप लोग जय सकते हो, तो बाबा मुझ सकते हैं नहीं, ये ऐसे नहीं आएंगे, चलना पड़ेगा हमें लगता है, ओम ग्रीम ग्रीम, नहीं बुलाओ, इधर आ जाओ, मनीष को आत्मा है रखा है, उस लड़की को लेके इधर आ जाओ, नहीं बताओगी तो इस पे तुमको जला देंगे, भस्म कर देंगे, दिख रहा भाई साहब साहब, नहीं बताओगी, मनीष कहाँ है तुझको, नहीं बताओगी तुम लोग, बता दो जल्दी से, नहीं तो शाम करने जा रहे हैं हम, बाबा अपना वो मतलब मेन अस्त्र उठाइए और चलो साथ में इसको वहीं पे भाषण कर दो यार, यहाँ पे कैद कर लो यार, वहीं पे कैद यहीं पे होगी बच्चा, यहीं पे, हाँ तो इसको वहाँ से लेके आना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगी हमें लगता है, जो बहुत ही खतरनाक है, अब दो हो चुके हैं ना, दोनों मिल चुके हैं, कोई बात नहीं, एक बार चलते हैं थोड़ा सा, चलो साथ में चलते हैं, जब तक ये वाला जो आपने दिया है ये हाथ में रखना, जब हमें खतरा लगे, जो भभूत दिया आपने तब फेंकना इसको उसकी तरफ। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि बाबा हमारे को तो दे दिया, भाई के पास ताबीज है, तुम लोग इधर आते हो नहीं, ये देखो बाबा, बाबा यही वो पेड़ है जिसमें इन दोनों ने जान दिया है, अजीत को तो इसने इस पेड़ वाला जान दिया था, ये वाला बाबा, ये वाला इस पेड़ को भी बांध दो, इसमें क्या होता है, इसमें भी लग रहा है, ये वाला है, अरे पेड़ को बांधो जल्दी, मंत्र भागो, पीछा जा बाबा, थोड़ा पीछा जा, इसके नहीं आ पाएंगे, बताओ तुम लोग मरीज को छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, छोड़ दो उसको, नहीं तो खत्म कर देंगे तुमको, यहीं पे शिकायत कर देंगे, तुम पेड़ में निकल नहीं पाओगे, छोड़ दो उसको, लगा भैया पीछे क्या है, देख आजा आजा कुछ, बाबा इसको चलो वहीं पे बुलाओ, वहीं पे बुलाओ अपनी, रेखा पहले काट के आएंगे वरना नहीं, काटो काटो काटो, बाद में जाओ जल्दी, तुमको तो क्योंकि बाबा है, लेकिन बाबा को भी मतलब थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि बाबा को भी पता चलना चाहिए कि हम ऐसा बोल रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं बच्चा, तुम्हारा हमारे साथ में कोई डरने की जरूरत नहीं है, कितना भी खतरनाक हो उनको कैद कर देंगे, कोई नहीं बाबा, ये देखो आ रही है, चल कैसे रहती है यार, सब अब इससे पूछो मनीष के बारे में सीधे, और कोई पॉइंट नहीं, पहले पास में आने दो, पास में आने दो इनको, जहाँ पे मोमबत्ती वहाँ पे कट लगा कर देंगे, जहाँ पे मोमबत्ती जल रही थी वहाँ पे लगा देते, क्रॉस आ ना पाए इधर, वो लगा हुआ है क्रॉस वहाँ से, तो उसमें तो चढ़ सकते हैं ना, उसमें फिर चढ़ जाएंगी, गायब हो जाएंगी, मोमबत्ती के इधर नहीं आ पाएंगी, चढ़ जाती है उस पर यार,
एक मिनट हम पक्का क्रॉस लगा नहीं वो वहाँ पे लगा है एक बार लगा क्या वहाँ वहाँ खुला रहे ना उसमें चढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं चढ़ने देना बस यहीं पे लगा दो बाबा और वो वाला खुला रहने देना बस बस तो तुम लोग बताओ मनीष को कहाँ छुपा के रखा है उसको सामने लेके आओ हमारे इसको कैद करो इसको बहुत छोटे दो यार बाबा इसको मारो यार नहीं मारना नहीं है अगर जो मनीष अगर जो चले गए कहीं तो फिर मनीष का पता नहीं लग पाएगा तो इनसे इनसे पूछेंगे अभी इनको मजबूर करेंगे बताने के चढ़ ना जाए फिर उससे यार तो तुम लोग बताते हो नहीं बताते लड़की बहुत ही खतरनाक है एक एक मिनट मैं तो पीछे का कैमरा लेके यार मुझे भागना पड़ेगा दिखना बता दो नहीं तो बस हम लोग कैद करने जा रहे हैं तुमको क्या करें इनको कैद कर दें बताओ तो कैद ही करो जब पता नहीं रहे लेकिन फिर मनीष का फिर कैसे तो वही बात है मनीष का पता फिर जल्दी नहीं चलता अगर इनको कैद कर दिए उस पर ना चढ़ने पाए क्योंकि उस पर जो चढ़ गए तो गायब हो जाते हैं फिर मंत्रों से बुलाना पड़ेगा इनको कोशिश कर रहे हैं एक बार ओम ब्रीम ब्रीम शांत हो जाओ शांत हो जाओ ओम ग्रीम ग्रीम स्वाहा ओम ग्रीम ग्रीम स्वाहा शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ नहीं बता देंगे बता देंगे शांत हो जाओ मंत्र फेंक मारो मार मारो मंत्र मैं मारो मंत्र शांत हो जाओ शांत हो जाओ मंत्र मारो बाबा बताओगे शांत हो जाओ नहीं तो तुमको भस्म करेंगे यहीं पे बता रहे हो नहीं बता रहे हो फिर से मंत्र मारो जा तो नहीं बच सकती भी पीछे चलना पड़ेगा हमें लगता है कि शमशान घाट में तो नहीं छुपा के रखा की तरफ अगर जो चली गई तो हमारी मुक्ति से आजाद हो जाएगी किसी को शमशान घाट के बाद मत जाने दो बाबा इसको बुलाओ यार एक मिनट बुलाओ मंत्रों से ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडा वापस आ जाओ यहाँ पे पूरा बाबा का जो मतलब पूजा मतलब लगभग एक घंटे से कर रहे थे तो जो मोमबत्ती उमबत्ती लगाई थी वो सारी जल चुकी है और इसीलिए क्योंकि हम लोग लेट में वीडियो बनाना स्टार्ट किया हुआ ना बहुत लंबी वीडियो हो जाती बच्चा इनको टाइम चाहिए क्या करें बाबा इससे तुम मालूम करो यार देखते हैं भाई क्या तो नहीं बताएंगे इनके लिए दूसरा प्रबंध करना पड़ेगा भाई ओम देवाय स्वाहा ओ दोनों यार लाइट अचानक से दोस्तों बंद हो गई क्योंकि बैटरी डाउन हो गई थी इतने में वो दोनों गायब पता नहीं दिया कहाँ चले गए बाबा अभी आस पास अभी आस पास अचानक से बंद हो गई थी कहाँ चले गए पता है तुम्हें वो अभी आस पास है अपने आस पास नजर आ रही है लगाओ पता बुलाओ उनसे पूछो मनीष का फिर कैद करो फिर चलते हैं आएंगी और उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं ओम ग्रीम ग्रीम मरघटाय देवाय स्वाहा जो यहाँ पे आत्मा है सामने आओ जो आत्मा यहाँ पे सामने आओ ओम ग्रीम चामुंडा देवाय स्वाहा पास में आवाज आई ना ओम ग्रीम ग्रीम देवताय स्वाहा उस पर चढ़ गई फिर अभी वो सामने आ जाएगी ओम जिम ब्रीम ब्रीम चामुंडाय देवाय स्वाहा ओम मरघट देवताय स्वाहा ओम देवी देवताय वन देवी स्वाहा ओम देवी देवताय वंदाय चामुंडाय स्वाहा
ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडा विच्चय, ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडा विच्चय, ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडा विच्चय। जो भी यहाँ पे आत्मा सामने आओ, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा भाई। बाबा जल्दी ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडा, मैं पीछे मार ले, एक बार पीछे मार ले। ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडा, जो आत्मा यहाँ पे एक बार सामने आओ, नहीं तो कैद कर देंगे फिर। ये आ जाओ, अरे वो उठी बाबा, आ जाओ आ जाओ। मैं बस पीछे का कैमरा लेके पीछे का चेक कर देगी यार। आ जाओ, चली जाओ। कहाँ चले जाए मनीष का पता बताओ। आ जा, तुम मनीष को आजाद कर दोगी तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। पता बता दोगे तो बाबा तुम्हें छोड़ देंगे, वरना कैद कर देंगे हमेशा। कैद कर देंगे यहीं पे, तुमको कहीं से भी नहीं जा पाओगे। शमशान घाट में छुपा के रखा है। ओ, सही बता रही हो, तुमको ये भरमा रही, उधर लेके जाएगी तो तकनिया ज्यादा हो जाएगी। उसको कुछ मत करना, ठीक है? अगर जो उसके साथ में कुछ हुआ तो तुमको कल यहीं पे भस्म कर देंगे। देखते शमशान घाट ही जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, जो ना भैया। हाँ भाई, अगर शमशान घाट जाएंगे तो आज वहाँ पे नहीं जाना ठीक रहेगा। वहाँ पे शमशान घाट जाने के बाद रात के लगभग ज्यादा हो गए, एक बज रहा होगा, हमारे भैया कट जाएंगे। शमशान घाट मतलब मंत्र बाबा के काम नहीं करेंगे और इनकी शक्ति और भी डबल डबल हो जाती है। शमशान घाट में पूजा करवाने तो दिन के टाइम में रखना, उसको हाथ में रखना। कोई अगर जो ये देखो चल कैसे रही है बाबा, साइड में चलो, कैमरे में भी दिखे। इनको चलते हैं दोस्तों, देखते हैं शमशान घाट जहाँ पे मलिक को छुपा के रखता है और क्या होता है। शमशान घाट में पूजा करवानी तो उसका दूसरा प्रबंध करना पड़ेगा तुमको, तब मुक्ति मिलेगी। ओके, तुमको अगर मुक्त कराना होगा रहेंगे जी। बच्चा शमशान की तरफ जा रहे हैं, शमशान में इनकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी बहुत, हम लोगों के लिए भी खतरा हो जाएगी और वहाँ पे हमारे मन काम नहीं करेंगे। फिर चलो देखते हैं, फिर भी तुमको जो भभूत की है अगर जो खतरा लगे तो उनको सेक देना तुरंत, और फिर तुम्हारे पे तरह अटैक हो जाएगा। हमारे साथ में सेफ्टी है, सुरक्षा है, हमारे साथ में रखते हैं। बाबा ये सच में जा रहे हैं शमशान घाट, हमें लगा शमशान बता रहे थे भैया। बाबा इसके आगे चलना सही नहीं, तो कैसे भी अब मनीष को कैसे पता लगाया, क्या रुके चल के यही पास वाले गांव में दिन में आए उसके बाद चले क्या मनीष को ढूंढ के? अब दिन में आना उसके लिए दूसरा प्रबंध, पूजा का कोई भाई गायब करना पड़ेगा। इस पूजा से नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा हवन या पूजा नहीं हो रही थी। बाबा ने इसको बस बांध दिया कि मनीष को कुछ कर ना पाए। बाबा बांधो, इधर आ ना पाए, दोबारा बांधो। बांधो बाबा, तो दोबारा आना पाए उसके बाद चलते हैं। दिन में दोस्तों आएंगे यहाँ पे, बहुत बड़ा पूजा पाठ होगा, क्यों ना बाबा? हाँ बच्चा, और फिर उसके बाद उनको मनीष को पता है, खुद ऑटोमेटिक लेके आएंगे, ये खुद ऑटोमेटिक लेके आएंगे, बताएंगे सब कुछ, ये कैसे कहाँ पे क्यों मरी, ये सब कुछ बताएंगे। आज के लिए बस ये क्या करेंगे, यहीं पे रख देंगे, आना पाए भभूत रख देंगे, अब इधर नहीं आ पाएंगे वो। और ये भगवत भी थोड़ा उधर चल के फेंक देंगे, चलते वहीं पे उसको कर दो, वो जो मकान बना है छोटा सा उसमें ना चढ़ पाए यार, क्योंकि वो अक्सर उसी में रहती है। इसको अंदर कैसे भी करके पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, उसमें लॉक लगा है। अच्छा, इतने दिन से परेशान कर रही थी, तुमको पहले से प्रबंध कर लेना चाहिए। हम लोग आए और उसके बाद आते गए और उसके बाद एक एक नुकसान हमारा होते गया। अब इनकी शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, गायब हो गया, फिर अजीत अपने मम्मी पापा को तक नहीं छोड़ा था, उनको गायब कर दिया था, फिर वो बहुत ही मुश्किल से मिले थे, हम लोग इतना ज्यादा परेशान करके रख दिया था, कब जाके मिले थे। बाबा इसके अंदर बता सकते हो क्या है या क्या नहीं है, देखना पड़ेगा उसको। अगर मंत्रों से देखो, क्योंकि ये लॉक खुलता नहीं कभी, देखो अगर ना पता चले फिर दिन में इसको तोड़ा जाए। देखो क्या है,
क्या इसमें मिट्टी के ढेर के नीचे दबा हुआ सोना है, इसके अंदर सोना है बच्चा। अच्छा, वही तो ना उसी की रखवाली के लिए इसमें जो माया थी उस वही सबको इधर मार रही है। अच्छा अच्छा, तो मतलब जो पागल लड़की हुई थी वो पागल नहीं हुई, पागल नहीं हुई थी, माया ने पागल किया था वो। अब जाके समझ में आया दोस्तों, तो ये भी एक राज पता चला। तो दिन में इसको पता लगाते बाबा तुम अपने मंत्रों से सोने को निकाल सकते या नहीं बच्चा, उसके लिए दूसरा प्रबंध कर, बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। तो बाद में देखते पहले बहुत ज्यादा खा रहा है, पूजा करने आओ थोड़ा। और अब हम लोग बाबा इसको यहाँ पे बांध दे, इधर इधर ना करते हैं, इधर इधर पूरा बंधा है ये यहाँ पे इधर बांध दे। साइड से निकल आना, साइड से आ जाओ, साइड से आ जाओ। तो दोस्तों भैया एक बार पीछे लगा लेते, कहा तो नहीं आ पाएंगे वो लोग, बन चुका है पूरा। ऊपर लगा लो, ऊपर ऊपर, अब कहीं भी नजर नहीं आएंगे जब तक उनको खोलोगे नहीं, वहाँ से वो इधर नहीं आ पाएंगे। खोलोगा अगर कोई निकलेगा तो कट सकता है ना, ऐसा नहीं कटेगा कोई, मीट वीट खा के निकलेगा कोई। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि मनीष का लगभग 80% बाबा मानने की पता चल गया है। हाँ, तो पता चल गया, संसार घाट में है और ऐसे सुता के रखा अपने मंत्रों से, ऐसे खत्म नहीं रहे अपने मंत्रों से छतरवाया बुलवाया है सब लोगों ने बताया है। तो लगभग अब उसको पता चल जाएगा दिन में ना, दिन में पता चल, दोस्तों मनीष का लगभग पता चल जाएगा। तो आप लोग दिन में भी वीडियो देखना, और बहुत जल्द वो भी वीडियो आएगी मनीष के साथ जो मनीष मिलेगा। तो आज के लिए भाई इतना, मैं अब आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, निकलता हूँ घर के, क्योंकि यहाँ पे हमारी बाइक भी खड़ी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगली वीडियो का इंतजार करना, बहुत जल्द आएगी, और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करना। तो अब हम निकलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम।